भाई स्वागत है आपका नेक्स्ट डे में। तो हो गए हम लोग नहा धो के तैयार और प्रकाश भाई गए नहाने के लिए, ठीक है। और आज का सीन जो होने वाला है कि आज हम लोग जा रहे हैं दीप उत्सव देखने के लिए। तो रात को हम लोग दीप उत्सव देखेंगे और दिन में हम लोग घाट वगैरह कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी भी लगेगी, ठीक है। तो चलिए रेडी रेडी होते हैं, उसके बाद मिलते हैं हम बाहर। कल जब हम लोग रात को आए थे उसके बाद यार हम लोग इतना थके हुए थे कि जाके सो गए थे। तो कल नहीं बताया हुआ था कि कल का दिन हमारा कैसा गया है। तो मेरे अकॉर्डिंग जिस तरीके से हम सोच के आए थे वैसा तो नहीं था। और पहली बात तो ये थी कि सारी चीज़ें 5 बजे लगभग बंद हो गई थी, तो उतना कवर ही नहीं हो पाया। एक मोनेस्ट्री गए हुए थे और बाकी एक दो टेम्पल गए हुए थे। तो अपना ठीक ठाक था लेकिन जिस तरीके से सोचा था वैसा हुआ नहीं है। बाकी प्रकाश भाई जो हैं वो बताएंगे अपना एक्सपीरियंस कि कैसा गया था, ठीक है। चलो तो प्रकाश भाई आप बताओ कि आपका कल का कैसा रहा दिन एक्सपीरियंस। भाई स्टार्टिंग तो काफ़ी अच्छी हुई थी सुबह की, हाँ। बट जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे वैसे प्लान की धज्जियाँ उड़ती गई। हाँ जो प्लान सोचा था वो प्लान की तो पैन बच चुकी थी। हाँ वो रूम में जो फॉरेनर रह रहा है उसे कल चेकआउट करना था, बट वो चेकआउट कर नहीं पाया। हाँ। उसे एक दिन का और स्टे करना था, तो फिर वो हम लोगों से कहने लगा कि आपको रूम कल मिलेगा। अच्छा। आज आप डॉर्मेट्री में रह लीजिए। तो हम लोगों ने क्या डिसाइड किया? हम लोगों ने डिसाइड किया डॉर्मेट्री रखे कि चलो पूरे टाइम डॉर्मेट्री में रहते 3-4 दिन के लिए, वो ज्यादा बेटर है। डॉर्मेट्री है भी अच्छी। हाँ। और एक अपने साथ फॉरेनर है, वैसे थे तो दो, एक चली गई। अब जो बचा है उसका नाम है अल्बर्टो, ही इज फ्रॉम वर्जीनिया एंड ही इज गुड इन नेचर टू। बस ठीक, चल भाई आ गए हम लोग हॉस्टल से बाहर। अब जा रहे हैं हम लोग दीप उत्सव देखने के लिए। तो वो तो रात में है लेकिन दिन में हम लोग घाट वगैरह कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ पे कोई नाश्ता पानी करते हैं, उसके बाद चलते आगे, ठीक है। चलो हम लोग सुबह खाने के लिए आ गए। तो हमने मंगाया डोसा और प्रकाश भाई ने मंगाया है छोला भटूरा। तो देखते हैं कैसा रहता है टेस्ट, क्योंकि कल हम लोग ने जहाँ रात को खाना खाया था उसका तो फिर भी ठीक ठाक था टेस्ट, लेकिन आज बाहर खा के देख रहे हैं कि कैसा रहता है। तो चलिए पहले आने दीजिए, फिर दिखाता हूँ आपको, ठीक है। चलो प्रकाश भाई के भटूरे आ गए, क्या कम पड़ गया? अच्छा इनके में चटनी कम आई हुई है, अभी फिलहाल चटनी और लेने जा रहे हैं। देखिए भाई प्रकाश भाई ने भटूरे मंगाए थे वो तो खा पी के ख़त्म कर चुके लगभग, और अपना भी डोसा आ गया। तो हम खाते हैं, उसके बाद ऑटो पकड़ेंगे, फिर मिलते हैं हम आपको गोदावली, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद। चलो भाई नाश्ता पानी हो गया, अब पकड़ते हैं ऑटो और ऑटो पकड़ के चलते हैं गोदावलिया चौक। और गोदावलिया चौक से जाएंगे हम लोग, पहले घाट कवर करेंगे। तो पहुंचते हैं घाट पे, फिर आपसे बात करते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम घाट पे। हम
लोग गली गली जा रहे हैं क्योंकि मेन रोड पे है बहुत भीड़। और सबसे पहले हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जाएंगे 80 घाट। तो चलिए फिर 80 घाट चलते हैं, वहीं पे आपसे मिलेंगे, ठीक है? तो चलिए 80 घाट पे मिलते हैं। भाई फिलहाल हम लोग 80 घाट पे आ गए हैं, पीछे का एरिया देख रहे हैं। तो हम लोग अभी आए हैं 80 घाट पे। 80 घाट के बाद वैसे हम लोग किनारे किनारे जाएंगे, सारे घाट फिलहाल ऐसे ही कवर करने वाले आज। तो चलिए फिर कवर करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद, ठीक है? चलो। तो भाई यहाँ पे आके एक जगह लंगर लगा हुआ था, हम लोग लंगर लेने के लिए आ गए थे, लेके आए हैं। ये देखो प्रकाश भाई भी अभी लेके आए हैं, ठीक है? हमारा ये देखिए रखा हुआ है। तो मैं एक काम करता यार, क्योंकि सारे घाट यहाँ पे एक जैसे हैं, तो जो मेन है प्रोग्राम हम लोग का रात का, वो मैं सोच रहा हूँ दिखाऊँ, क्योंकि दिन में दिखाऊँगा तो सारा एक जैसे लगेगा, है ना? तो चलिए फिर मिलता हूँ रात को, ठीक है? चलो। तो भाई अपना प्रसाद वरसाद खा के अब थोड़ा फ्री हो गया, तो शाम तक के हम लोग रहेंगे रविदास घाट पे। उसके बाद जाएंगे रात को जहाँ पे दीप उत्सव होने वाला है, और यहाँ पे सावधानी का पूरा ख्याल रखते हुए अपनी NDRF टीम भी आ गई है। बैक कैमरे से दिखाता हूँ आपको। भाई सारे लोग वो NDRF टीम अपनी अपनी बोट रेडी कर रही है, देखिए सारे लोग अपनी बोट रेडी कर रहे हैं। सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया यहाँ पे, ये देखिए। बाकी अपने पुलिस प्रशासन वाले भाई साहब भी सारे को ही हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपनी NDRF टीम भी है, और मच्छरों को ध्यान में रखते हुए बताने की जरूरत नहीं, मच्छरों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे दवाई का भी छिड़काव कर दिया गया। तो बस बाकी अभी शाम का शो दिखाते जिसके लिए मेन आए हैं दीप उत्सव के लिए। तो मिलते हैं फिर हम दीप उत्सव पे, ठीक है? चलो। भाई मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि देखिए पूरे दिए की तैयारी हो रही, सोचिए रात को जलेगा तो कैसा लगेगा, है ना? तो यही चीज़ दिखानी थी, ये देखिए दिए वगैरह मेरे पीछे दिख रहे होंगे, ये सारा कुछ रात की तैयारी हो रही, बाकी रात को देखिएगा कैसा लगता है ना? चलो। टाइम के साथ साथ जिस तरीके से देखा जा रहा है, तो भाई धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है, और लगभग सारे दशाश्वमेध घाट ही जा रहे हैं, क्योंकि वहीं पे सबसे बड़ी आरती होने वाली है। और बाकी बैक कैमरे से दिखाता हूँ कि किस तरीके से भीड़ बढ़ रही है, है ना? और फिर मिलेंगे हम आपको आरती पे, है ना? चलो मिलते हैं फिर आरती पे।